Dear students and parents, Assalamu alaikum. This is Niaz Bukhari, director of the Galaxy Group of Colleges and Schools, Multan. As you know, there's been a lockdown due to pandemic coronavirus for many days, not only in Pakistan, but also all over the world. It's no doubt a very panic and crucial time for the people of Pakistan as well as for all human beings. Let's pray to Allah to protect all of us from all kinds of misery and sufferings. Ameen. To avoid academic crisis, we've managed an online teaching system for the students to facilitate them having online lectures on a daily basis. I'm sure they'll find them very simple and easy to understand. It's an undeniable fact that English is the most important of all other subjects because it's the medium of almost all information and knowledge. So for a few days, there will be lectures on English so that you can improve the four skills of this language, that is speaking, listening, reading and writing. The lesson today is for all the students from level 1 to FSC. Parents are requested to be with their children during the lesson. They can also improve their English if they give some time to it daily. So, let's start with the tenses. There are main three types of tenses: present, past and future. Present means mojooda, hal. Past means maazi, guzra hua zamana. And future means mustaqbil, aane wala zamana. Main ye three tenses hote hain, present, past, future. Lekin phir iske baad aage present ke four hote hain, पास्ट के भी फोर होते हैं और फ्यूचर के भी फोर होते हैं. ये टोटल मिलाकर 12 टेंसेस होते हैं. अब पहले आप प्रेजेंट टेंसेस देखें. प्रेजेंट में कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये देखें, ये फोर टेंसेस. पास्ट में भी यही फोर होंगे, फ्यूचर में भी यही फोर होंगे. जस्ट आपने स्टार्ट में प्रेजेंट की जगह पास्ट कर देना है और फिर फ्यूचर कर देना है. एक दफा आप प्रेजेंट लगा दें, ये फोर प्रेजेंट के टेंसेस बन जाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब इसी के साथ आप पास्ट लगा दें इन्हीं सब के साथ, तो ये पास्ट के फोर टेंसेस बन जाएंगे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब इन्हीं के साथ जहाँ प्रेजेंट आपने लिखा है, इन सब के साथ आपने फ्यूचर लगा दें, तो फ्यूचर के फोर टेंसेस बन जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. देखें, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये देखें, ये भी इंडेफिनिट, ये भी इंडेफिनिट, ये भी इंडेफिनिट. इसके इससे पहले प्रेजेंट, इससे पहले पास्ट, इससे पहले फ्यूचर. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. फिर प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट और ये थर्ड फ्यूचर परफेक्ट. और ये देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट की जगह पास्ट और यहाँ फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो आपने जहन में बिठा लें, सिर्फ आप ये चार नाम जहन में रख लें तो बाकी आपको एट नेम्स आपके जहन में आ जाएंगे. कौन से? इनडेफिनेट. मैंने आगे पूछना है, जहन में रख लें. पहला टेंस इनडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस, साथ प्रेजेंट लगा दें,
पास के भी यही है इनडेफिनिट, ये देखिए इनडेफिनिट सब यही है, लेकिन यहाँ पर आपने पास लगाना है और आगे फ्यूचर लगाना है, ठीक है? बोला नहीं है मैंने, पूछना है आगे आपसे, आपने खुद बताना है। अब हम ये देखेंगे कि ये टेंसेस होते क्या हैं। ये टेंसेस असल में किसी एक्शन को शो करते हैं, अगर एक्शन या काम को, अगर एक्शन या काम प्रेजेंट में हो रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस, इन टेंसेस में से, इन फोर टेंसेस में से कोई एक होगा। अगर वो एक्शन पास्ट में शो हो रहा है तो पास्ट के इन टेंसेस में से कोई एक होगा, और अगर वो फ्यूचर में शो हो रहा है तो फ्यूचर के इन टेंसेस में से कोई एक होगा। तो मसलन प्रेजेंट के कैसे हो सकते हैं, प्रेजेंट में सब में है हूं वगैरह आएगा, जैसे ता है, ती है, ते हैं वगैरह। और कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा है, रही है, देखिए है आखिर में लाजमी आएगा। इसी तरह से परफेक्ट में चुका है, चुकी है, या कर लिया है, कोई काम कंप्लीट हो जाए उसमें, यानी है ही आएगा सबके अंदर, प्रेजेंट की ये पहचान होगी। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसमें ता रहा है, दी रहे हैं, या मुकर्रर वक्त या मुदत से रहा है, रही है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये देखें सब के आखिर में सिर्फ है वगैरह आ रहा है क्योंकि प्रेजेंट है। और पास्ट में क्या होगा, पास्ट में सब के साथ था, थी वगैरह आएगा। मसलन वो स्कूल जाता था या वो स्कूल गया, यानी ऐसा काम जो प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में हुआ, स्कूल गया, पास्ट हो गया, एक लम्हा पहले भी जो काम हो गया वो पास्ट बन गया, अब वो प्रेजेंट नहीं रहा। वो स्कूल गया, उसने खाना खाया, ये भी पास्ट है। इसी तरह से कंटिन्यूअस कोई काम अगर जारी हो तो उसके लिए होता है, जैसे वो खाना खा रहा था, वो स्कूल जा रहा था, वो गाना गा रहा था। और परफेक्ट वो होता है जिसके अंदर काम कंप्लीट हो जाए, और क्योंकि साथ पास्ट है तो पास्ट में अगर कोई काम कंप्लीट होगा तो कैसे होगा, वो खाना खा चुका था, वो पहले ही खाना खा चुका था, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, और साथ पास्ट है, पास्ट के लिए था आएगा, और इसका ये होता है कि वो पढ़ता रहा था, वो यहाँ पर आता रहा था, वो सुबह से खाना खा रहा था, वो सुबह से पढ़ रहा था, ये। और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में गा गे गी आएगा, जैसे वो पढ़ेगा, वो खाएगा, इसी तरह से वो खा रहा होगा, कंटिन्यूअस है तो कोई काम जारी होगा, गा जरूर आएगा इसके अंदर, फ्यूचर की पहचान है, वो गाना गा रहा होगा, वो पानी पी रहा होगा। और परफेक्ट में गा जरूर आएगा लेकिन उसके साथ कंप्लीशन, मुकम्मल काम होगा, मतलब वो खाना खा चुका होगा, वो पानी पी चुका होगा, उसने पानी पी लिया होगा। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, खा रहा होगा, या खास मुदत या मुकर्रर वक्त या मुदत से कोई काम हो रहा होगा, वो सुबह से अपना होमवर्क कर रहा होगा, वो सुबह से खा रहा होगा, वगैरह वगैरह। तो इसके बाद हम हर एक के बारे में, हर टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला टेंस है प्रेजेंट, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो अब हम इसकी देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है और इसको कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका क्या है। और ये याद रखिएगा, हमने यहाँ पर बहुत सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, और उसके बाद हम इनकी एक्सरसाइजेस करेंगे। पहले एक ही सेंटेंस लेकर हम उसको चलेंगे। प्रेजेंट टेंसेस में पहला टेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। याद रखिएगा, प्रेजेंट की पहचान होती है हैं, हो, हूं। और इनडेफिनिट
जहाँ जहाँ आएगा उसकी पहचान होगी ता ती ते ती। अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा ता है ती है ती है ते है ते हो ती हो ता हूँ। वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है, वो स्कूल जाती हैं बहुत सारी लड़कियाँ, वो स्कूल जाते हैं बहुत सारे लोग, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाती हो, एक लड़की सामने वाली लड़की को कहा जा रहा है तुम स्कूल जाती हो, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, ये पहचान ता है वगैरह ये चीज़ें आएंगी। और इसके बनाने का तरीका ये है कि ये सब्जेक्ट्स अगर होंगे, ये सब्जेक्ट्स तो आई वी यू दे, इनमें से कोई हो काम करने वाला, एक्शन करने वाला, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो इनमें। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग, काम करने वाले, एक्शन वाले, एक्शन करने वाले बहुत सारे लोग, मसलन दो या दो से ज़्यादा, ओवैस एंड आसन दो हो गए तो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, इसे बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। इसी तरह से पीपल बहुत सारे लोग होते हैं तो ये भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसी तरह से बॉयज द बॉयज, गर्ल्स द गर्ल्स, माई पेरेंट्स माई फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। अगर ये होंगे तो फिर उसके बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने पहले ये देखना उर्दू में कैसा है, ता हूँ आ रहा है तो इसकी पहचान है, देखिए ता हूँ, तो हम इसे आसानी से बना लेंगे। कैसे, सबसे पहले आपने इनमें से काम करने वाला, एक्शन जो कर रहा है उससे लगाना है, तो ये मैं है तो यहाँ पर आएगा आई, आई हम लगा देंगे। उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी किसकी, खाना, आपने फूड नहीं लगाना आई फूड या आई एम फूड, ये नहीं, वर्ब लगाना थी फूड तो बेटा ये नाउन है, हमने वर्ब लगाना होता है यहाँ पर, याद रखिएगा हमने यहाँ पर वर्ब लगाना है। तो मैं खाता हूँ आई ईट, लेकिन सिर्फ दो वर्ड हैं, एक एक्शन करने वाला और एक वर्ब आई ईट। इसी तरह से आपने बनाना है वी ईट, हम खाते हैं, यू ईट आप खाते हैं, दे ईट वो खाते हैं, माई फ्रेंड्स ईट मेरे दोस्त खाते हैं, माई पेरेंट्स ईट मेरे पेरेंट्स खाते हैं, द बॉयज ईट द गर्ल्स ईट, अली एंड आसिम ईट, अली और आसिम खाते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपने एक के साथ ये सारे सात आठ ये बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट टेंस पे आना है, नेक्स्ट सेंटेंस पे, ये सेंटेंस है नेगेटिव का, तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं, आई और ईट है ना, इसके दरमियान में डू नॉट लगा देंगे, ये आई और ईट इसके दरमियान में डू नॉट लगाने, आपने इसको जेन में रखना है, आई डू नॉट ईट मैं नहीं खाता, और इसको बोलते हैं आई डोंट ईट, कंट्रैक्शन इसे बोलते हैं कंट्रैक्शन, डू नॉट को मिला देना, स्टेट देना, इकट्ठा कर देना, तो इसे बोलते हैं कंट्रैक्शन। तो बोलने में हम इसको बोलेंगे आई डोंट ईट, जब हम फ्लो में होते तो ऐसे बोलते हैं आई डोंट ईट, आई डू नॉट ईट भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन आप कंट्रैक्शन में ऐसे बोलें आई डोंट ईट। अब देखें इसी तरह से आपने कहना है वी डोंट ईट, यू डोंट ईट, दे डोंट ईट, माई फ्रेंड्स डोंट ईट, फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स, फ्रेंड अगर आप फ्रेंड बोलेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये प्लूरल है, माई फ्रेंड्स माई ब्रदर्स बोलेंगे तो प्लूरल होगा, माई ब्रदर बोलेंगे तो वो सिंगुलर होगा, द बॉय बोलेंगे तो सिंगुलर होगा, और द बॉयज बोलेंगे तो प्लूरल होगा, ये ख्याल करना है आपने। तो इनके साथ आपने ये नेगेटिव भी बना लिया। फिर आप आगे जाएंगे क्या मैं खाता हूँ, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वो कैसे बनता है, देखिए इसको देखें आप आई और ईट को, इसके इससे पहले डू लगा दें, ये देखें बस डू आई ईट, और आगे इंट्रोगेटिव मार्क कर दें, इंट्रोगेटिव बन जाएगा क्या मैं खाता हूँ डू आई ईट, ठीक है। तो उसके बाद इसी के साथ आपने बनाने डू आई ईट, डू ईट, डू यू ईट, डू दे ईट, डू माई फ्रेंड्स ईट, ये सारे बनाने आप। फिर आप आ जाए नेक्स्ट में क्या मैं नहीं खाता, अब इसमें पूछा भी जा रहा है और नहीं भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, तो उस सूरत में कैसे बनाते हैं, देखिए फिर इसको देखिए, ये इंट्रोगेटिव को देखिए, यानी ये इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू शुरू में लगाएंगे, डू लगा दिए, और साथ नेगेटिव बनाना हो तो ये जो सब्जेक्ट होता है ना आई वी यू दे वगैरह,
ये सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है। डू ये सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगाना है हमेशा। नॉट कहाँ लगाना है, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो हमेशा नॉट ये जो सब्जेक्ट है, ये वाली जो सब्जेक्ट्स आएंगे उसके बाद आपने नॉट लगाना है जब आपने टॉपिक बनाना हो और साथ में नेगेटिव भी बनाना हो। तो देखिए यहाँ से भी आप बना सकते हैं, पहले डू लगाएं, फिर आई लगाएं, फिर आई के बाद नॉट लगाएं, फिर ईट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। डू आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाता। तो उसको बोलते हैं बेटा डू आई को, देखिए डू और नॉट के दरमियान आई आ रहा है ना, लेकिन जब हम कंट्रैक्शन करते हैं तो डू और नॉट को इकट्ठा कर देते हैं, फिर हम बोलते हैं डू नॉट नहीं डोंट, फिर इसलिए हमें बोलना पड़ेगा डोंट और उसके बाद क्या आएगा आई, फिर ईट। तो बोलने में आपने इसको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, डोंट आई ईट, क्या मैं नहीं खाता। इसी तरह से आपने इसके साथ तो वही के साथ बनाना है, डोंट वी ईट, क्या हम नहीं खाते, डोंट यू ईट, क्या आप नहीं खाते, फिर डोंट ईट, इन सब के साथ वैसे ही आपने बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखें वाई से, वाई व्हाट व्हेन इन्हें बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। तो डब्ल्यू एच वाले वर्ड से, डब्ल्यू एच वर्ड से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, वो हैं वाई व्हेन वेयर विच हूज हाउ हु। तो ये कैसे, ये कहाँ पर, ये कैसे बनाते हैं, मैं क्यों खाता हूँ। देखिए ये जो इंट्रोगेटिव है ना, डू आई ईट, इससे पहले वाई लगा दीजिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। डू आई ईट, वाई डू आई, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, इससे पहले वाई लगा दें, वाई डू आई ईट, मैं क्यों खाता हूँ। इसी तरह से नेगेटिव के साथ ही अगर वाई आप लगाएंगे तो डू आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाता, तो आप बनाएंगे वाई डू आई नॉट ईट, मैं क्यों नहीं खाता। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो तो उसको भी इकट्ठे मिलाते हैं, तो डू नॉट को कर देंगे डोंट, व्हाई डोंट आई ईट, मैं क्यों नहीं खाता, ठीक है, व्हाई डोंट आई ईट। अच्छा इसके बाद मैं क्या खाता हूँ, अब आपने ये नहीं कहना डू आई ईट, ये तो है क्या मैं खाता हूँ। व्हाट और हेल्पिंग वर्ड में आपने फर्क समझना है। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू होता है उसका आंसर यस या नो में, सिर्फ और सिर्फ यस या नो में आप दे सकते हैं, यू कैन से यस और नो। देखें क्या मैं खाता हूं, आप कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो, लेकिन अगर मैं कहूं मैं क्या खाता हूं, आप कह सकते हैं यस या नो, नहीं आपको बताना पड़ेगा मैं क्या खाता हूं। सोच में एप्पल खाता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं क्या खाता हूँ, तो आप बताएंगे, आप ये नहीं कहेंगे यस नो, आप कहेंगे यू ईट एप्पल्स, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है ये भी देखिए, इससे पहले डू आई ईट है तो उससे पहले व्हाट लगा दें, व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ। इसी तरह से मैं क्या नहीं खाता तो डू आई नॉट ईट से पहले व्हाट लगा दें, यानी यहां से भी आप कर सकते हैं, देखिए इससे पहले डू लगाएंगे, ठीक है, इससे पहले डू लगाएंगे उससे पहले व्हाट लगा दें, व्हाट डू, और फिर नॉट कहाँ लगाते हैं, इस सब्जेक्ट के बाद व्हाट डू आई नॉट ईट। तो डू आई नॉट है, डू भी है और नॉट भी है, तो डोंट कर देंगे व्हाट डोंट आई, ये देखिए इसका व्हाट डोंट आई ईट, मैं क्या नहीं खाता। The Galaxy Public School, where your bright future lies. Playgroup to Matric, multimedia-based academic standards, highly qualified and experienced teachers, the most profound, committed and dynamic leadership, conceptual studies and quality education in the real sense. Compulsory English language and spoken classes with American and British accent. Daily and monthly test schedule, well-equipped science and computer labs, air-conditioned and fully furnished classrooms, separate campuses for boys and girls, separate campuses for playgroup, nursery and prep, learning and personality building through sensorial activities.
opportunities for creativity and innovation, video classes to improve spoken and listening skills, co-curricular activities for physical and mental growth, special attention towards dining manners, healthy, peaceful, stress-free and hygienic environment, facilities of generator and solar system, monitoring through CCTV cameras. The Galaxy Public School, Bhutta Colony, near Vilayatabad, Multan. Phone 061-423-3171, 442-3030, 0300-636-2321. नेक्स्ट देखें, हाउ, मैं कैसे खाता हूँ, तो वो भी देखें, डू आई ईट था ना, क्या मैं खाता हूँ, लेकिन क्या था यहाँ पे था, देखें आई ईट था, मैं खाता हूँ, आई ईट, उससे पहले डू लगाते हैं, क्या मैं खाता हूँ, उससे पहले हाउ लगा दें, मैं कैसे खाता हूँ, तो इसी तरह से ना, हाउ डू आई ईट, हाउ डू वी ईट, हाउ डू यू ईट, हाउ डू दे ईट, सबके साथ आपने ऐसे लगाना है, लिखना है। फिर नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में कैसे, देखें कैसे था वो, इस तरह से था, आई ईट था, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो जो नॉट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो आई नॉट यहाँ पर रहेगा, और उससे पहले इंट्रोगेटिव है तो डू भी आएगा, और उससे पहले ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो हाउ भी आ जाएगा, हाउ डू आई नॉट ईट, मैं कैसे नहीं खाता, और डू और नॉट को मिलाएंगे डोंट हो जाएगा, हाउ डोंट आई ईट, मैं कैसे नहीं खाता। इस तरह व्हेन भी लगा सकते हैं, यानी डू आई ईट था, क्या मैं खाता हूँ, उससे पहले व्हेन लगा दें, व्हेन डू आई ईट, मैं कब खाता हूँ, और मैं कब नहीं खाता, इसी तरह से व्हेन डू आई नॉट ईट, तो ये देगा व्हेन डोंट आई ईट, मैं कब नहीं खाता, बोलना आपने इस तरह से, व्हेन डोंट आई ईट, मैं कब नहीं खाता, मैं कहाँ खाता हूँ, अब वेयर, लेकिन डू आई ईट उसी के साथ ही बन रहा है, क्या मैं खाता हूँ, उसे पहले वेयर लगा दें, क्या मैं कहाँ खाता हूँ, मैं कहाँ नहीं खाता, लेकिन फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाए, ठीक है, वेयर डू आई नॉट ईट, और उसे बोलेंगे वेयर डोंट आई ईट, मैं कहाँ नहीं खाता। उसके बाद है विच, विच के बाद हमेशा कोई नाउन आता है, कोई नाउन आता है, विच बॉय, वो पर्सन भी हो सकता है, वो कोई चीज भी हो सकती है, इट मे बी पर्सन और अ थिंग, विच एप्पल्स, ठीक है, कौन से सेब, डू आई ईट, लेकिन डू आई ईट है ना, इंट्रोगेटिव हमने बनाया था, डू आई ईट था, आई ईट से पहले डू लगा दें, इंट्रोगेटिव बन जाता है, और उससे पहले विच एप्पल्स, विच लगा दें, उसके बाद नाउन लगा दें, तो ये बन जाएगा कौन से सेब मैं खाता हूँ, मैं कौन से सेब खाता हूँ, अच्छा मैं कौन से सेब नहीं खाता, विच एप्पल्स, डू आई नॉट, तो डू आई नॉट आ रहा है, इसको हम कैसे बोलेंगे, डोंट आई ईट, विच एप्पल्स डोंट आई ईट, मैं कौन से सेब नहीं खाता, अच्छा हुज जो होता है बेटा ये पर्सन्स के लिए होता है, किसका, हुज लंच, किसका लंच मैं खाता हूँ, अब देखिए मैं क्या मैं खाता हूँ, सिंपल इंट्रोगेटिव हमने बनाया था, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, उससे पहले आप लगा दें हुज लंच, मैं किसका लंच खाता हूँ, whose lunch do I not eat, negative बन गया, interrogative और negative है, तो do or not को इकट्ठा कर दें, whose lunch don't I eat, बोलने में आपने ऐसा बोलना है और लिखने में आप ऐसे लिखेंगे, अच्छा उसके बाद कौन खाते हैं, who eat, सिर्फ यहाँ पर who लगाएं, यहाँ पर अपने do नहीं लगाना शुरू, who के साथ do नहीं लगाया जाता, ये याद रखिएगा, present tense है, present और पास्ट टेंस में
याद रखिएगा अपने डू के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब, ये हु के साथ हेल्पिंग वर्ब आपने नहीं लगाना। तो जस्ट आप हु ईट, कौन खाते हैं, और अगर यहाँ पर हो कौन खाता है अकेला हो, फिर यहाँ पर हम एस लगाते हैं वर्ब के साथ, हु ईट्स, याद रखिएगा, भूला नहीं है। कौन खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज होंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए हम ईट लगाते हैं, और अगर यहाँ होता कौन खाता है, आगे आगे हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में, जहाँ एस लगाते हैं तो हु ईट कौन खाते हैं, और हु ईट्स कौन खाता है, और यहाँ भी लगाएंगे हु डू नॉट ईट, और डू नॉट को बोलते हैं डोंट, हु डोंट ईट, कौन नहीं खाते, और अगर यहाँ होता हु डजंट, हु डज नॉट ईट, तो उसमें कौन नहीं खाता, एक आदमी, ये याद रखना है, ये बहुत मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की, टीचर्स की भी होती हैं, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। अब देखें, अब ही शी ईट और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कोई एक हो एक्शन या काम करने वाला, ही शी, ये भी देखें, ये भी एक होता है, शी भी एक है, ईट भी, देखिए वैसे तो आई भी अकेला होता है, लेकिन आई के साथ हम डज नहीं लगाते, ही शी ईट, याद रखना ही शी ईट, और सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपने डज लगाना है या एस लगाना है। कैसे वो खाता है, अब देखिए वो है तो ही आ रहा है, तो अब हम ईट तो लिखेंगे जैसे हमने लिखा था आई ईट, लेकिन यहाँ ही है तो ही की वजह से हम ईट के साथ एस भी लगाएंगे, ही ईट्स, ठीक है। इसी तरह शी ईट्स, इट ईट्स, माई फ्रेंड सिंगुलर लिखना आपने, माई फ्रेंड ईट्स, अली ईट्स, आसिम ईट्स, दिस बॉय ईट्स, माई फादर ईट्स, अकेला होगा तो एस लगाएंगे, ज्यादा होंगे तो एस नहीं लगाएंगे। नेगेटिव बनाना है तो उसमें क्या था, हमने लिखा था आई डू नॉट ईट, ही है तो डज नॉट, सिंपल सा, ही डज नॉट ईट, शी डज नॉट ईट, और डज नॉट बोलते हैं डजंट, ही डजंट, ही डजंट ईट, शी डजंट ईट, ही डजंट ईट, माय ब्रदर डजंट ईट। इंटरोगेटिव बनाना है, उसमें हमने बनाया था डू, स्टार्ट में लगाया था, फिर आई, फिर ईट, आई था तो हमने ईट लिखा था और यहाँ पर डू लिखा था, अब क्योंकि ही शी ईट है तो अब हम डज does लिखेंगे, does eat, और अब यहाँ s नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर es लग चुका है, do था ना, do के साथ हमने es लगा दिया, तो अब यहाँ verb के साथ नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ अब लगाना है does eat, क्या वो नहीं खाता, does he not, ये देखेंगे फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अब ये वाले सब्जेक्ट्स आ गए हैं, तो इसके बाद not लगाना है, जब interrogative भी हो और negative भी हो, और इसको इकट्ठा करना है, contraction होगी तो कैसे हुई, doesn't, doesn't eat, क्या वो नहीं खाता। अब देखें wh family words अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, does he eat, देखें ये वाला, does he eat से पहले ये वर्ड सारे लगाने, बिल्कुल वैसे है जो हमने पहले किए थे। तो इसी तरह से आपने he, she, it के साथ भी और सिंगल सब्जेक्ट्स के साथ भी इन सब के बनाने हैं सारे, why does he not eat, why doesn't he eat, वो क्यों नहीं खाता, why does he eat, What does he eat? वो क्या खाता है? What does he not eat? वो क्या नहीं खाता? तो इसको does और not आ रहा है, तो what doesn't he eat? वो क्या नहीं खाता? When does he eat? वो कब खाता है? When does he not eat? वो कब नहीं खाता? When doesn't he eat? Does और not को इकट्ठा करेंगे, doesn't he eat? फिर where does he eat? वो कहाँ खाता है? ठीक है, वो कहाँ खाता है? Where does he not? Where doesn't he eat? Does he not? Here doesn't he? Does he not? Doesn't he? ठीक है। How does he eat? How does he not eat? वो कैसे नहीं खाता? How doesn't he eat? Does or not को मिला देंगे। Which food? कौन सा खाना? Does he eat? वो खाता है। ठीक है। He की वजह से हम does लगा रहे हैं। He ना होता, I, we, you, they होते तो फिर हम do ही लगाते। तो he, she, it की वजह से हम does लगाएंगे यहाँ पर interrogative में, तो यहाँ doesn't हो जाएगा। Which food doesn't eat? वो कौन सा खाना नहीं खाता? Whose lunch does he eat? वो किसका लंच खाता है? और whose lunch does he not eat? वो किसका लंच नहीं खाता? तो does not है तो doesn't हो जाएगा, doesn't he eat? अच्छा, who के लिए हमने यहाँ does नहीं लगाना, मैंने आपको बताया था who के लिए सिर्फ eats, eats है तो कौन खाता है अकेला, मैंने पहले पीछे आपको बताया है eats, और अगर हो हु ईट तो उसका मतलब बहुत सारे लोग हो जाएंगे, कौन खाते हैं, हु ईट कौन खाते हैं, और हु ईट्स कौन खाता है अकेला। इसी तरह से
who doesn't eat, वो नहीं खाता अकेला, और बहुत सारे हों तो who don't eat. अच्छा मैंने आपको बताया था ऐसे AES लगाते हैं, तो ये ऐसी वर्ब्स जिनके एंड में ये लेटर्स हों O X double S S H C H, तो उसके साथ हम ES लगाते हैं, बाकी सब के साथ S लगाते हैं. मसलन go है G O go, तो go के आखिर में O आ रहा है तो साथ में ES लगाया. X में देखिए fixes और mixes, fix और mix में आखिर में X आ रहा है, तो जब हम ES लगाएंगे तो या इनके साथ ES लगाएंगे fixes mixes हो जाएगा. इसी तरह से पास है तो पास डबल एस आ रहा था तो आगे ES लगेंगे, ऐसे जा रहा था तो यहाँ ES लगेंगे, washes हो जाएगा. और इसको washes बोलते हैं, passes बोलते हैं, पास इसी वर्ब्स जिनके एंड पे O X S S S H C H ये आए तो उसके साथ हम सिर्फ S नहीं लगाएंगे, हम ES लिखेंगे. जैसे और किसके लिए, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए. मसलन आई ये ही शी इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके लिए हम ऐसी वर्ब्स जो इन लेटर्स पर एंड हो रही होंगी उनके साथ हमने फिर ई एस भी लिख देना है. अगर ही शी इट के अलावा और सब्जेक्ट्स हैं जैसे आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स, फिर हम ना एस लगाएंगे ना ई एस लगाएंगे, इनके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ उनके लिए हम ये लगाएंगे जो सब्जेक्ट्स ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. मसलन गो देखें, गो के एंड पे ओ आ रहा है तो जब हम ही के लिए से यूज करेंगे या तो ही गोज, शी गोज, इट गोज, माई फ्रेंड गोज, ये ES लगाएंगे. इसी तरह से जो वर्ड एक्स पर एंड हो रही होगी उसके साथ भी ES लगाएंगे. जैसे एक्स पर देखें फिक्स, तो फिक्स के देखें इस वर्ब में देखें एंड पे एक्स आ रहा है, ये वाला लेटर आ रहा है तो अब हम इसके साथ भी ई एस लगाएंगे तो ये हो जाएगा फिक्सेस. सब्जेक्ट कौन सा होगा, शर्त ये है कि उसका सब्जेक्ट ही शी इट में से हो. ही फिक्सेस वो फिक्स करता है, ही शी फिक्सेस वो फिक्स करती है, इट फिक्सेस ये फिक्स करता है, माई फ्रेंड फिक्सेस मेरा दोस्त फिक्स करता है, ता है भी आएगा इसके अंदर. इस तरह मिक्स, ही मिक्सेस इसके साथ भी ई एस लगाएंगे, ही मिक्सेस वाटर, शी मिक्सेस, इट मिक्सेस, दिस बॉय, दिस शॉपकीपर मिक्सेस वाटर. ठीक है, इसी तरह से पास डबल एस आ रहा है यहाँ पर देखिए, डबल एस है तो अगर एस एस आ रहा हो ऐसी वर्ब में, ये वर्ब है. वर्ब्स बेटा वो होती हैं जिनकी थ्री फॉर्म्स बल्कि फोर फॉर्म्स बन सकती हों, जैसे पास पास्ट पास्ट पास्ट, गो वेंट गॉन, डू डिड डन, फिक्स फिक्स्ड फिक्स्ड, मिक्स मिक्स्ड मिक्स्ड, पास पास्ट पास्ट. आपने फॉर्म्स याद करनी है जितनी भी हैं आपकी ग्रामर बुक में दी हुई हैं, वहाँ से आपने डेली इनकी फॉर्म्स याद करनी है. तो वॉश वॉश्ड वॉश्ड और इन फॉर्म एक होती है फोर्थ फॉर्म, उसे फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं, बोलते हैं वॉशिंग, आई एन जी साथ लगा दें बस. और प्रीच प्रीच्ड सेकंड फॉर्म, प्रीच्ड थर्ड फॉर्म भी वैसी है, और प्रीचिंग इन फॉर्म आई एन जी. तो वर्ब के साथ क्या करना है, वर्ब ऐसी अगर वर्ब्स हों जिनके आखिर में ओ ओ एक्स या डबल एस या एस एच या सी एच आ रहा हो तो उसके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं. जैसे गो है तो गो से हो जाएगा ई एस साथ लगाएंगे इसके साथ तो गोज हो जाएगा, ये डू है तो डज हो जाएगा. ठीक है, और ये डूज नहीं है, ये जैसे गो है तो गोज, ये डू है तो डूज नहीं बल्कि ये डज जिसे बोलते हैं. ये फिक्स एक्स आ रहा है, ये देखिए एक्स आ रहा है तो ई एस लगाएंगे, क्या बनेगा फिक्सेस. फिर देखें मिक्स में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है लास्ट में, तो
इसके साथ भी क्या लगाएंगे, यस लिखेंगे। यस लिखने से क्या हो जाएगा, मिक्सेस, ही मिक्सेस। फिर डबल एस देखें, डबल एस, पास, पास होना, तो ही शीट के साथ ही लगेंगे, ही पासेस। डबल एस डबल एस है तो यस लगाएंगे इसके साथ। इसी तरह से एस एच, वॉश, धोना, वॉश। अगर होगा आई तो होगा आई वॉश, मैं धोता हूं। अगर होगा ही तो ही वॉशेस, वो धोता है। आई वॉश, ही वॉशेस, वी वॉश, शी वॉशेस, ही वॉशेस, इट वॉशेस, माय फ्रेंड वॉशेस, माय फ्रेंड्स वॉश, फ्रेंड्स है तो वॉश, फ्रेंड है तो वॉशेस, मैन है तो वॉश, मैन है तो वॉशेस, बॉय है तो वॉश, बॉयज है तो वॉश, और अगर बॉय है अकेला है तो वॉशेस। इसी तरह से ही है तो, ही है तो प्रीचेस, यस लगाएंगे। और अगर आई, वी, यू, दे में से कुछ है तो फिर प्रीच, आई प्रीच, वी प्रीच, दे प्रीच। लेकिन यहाँ पर ही प्रीचेस, शी प्रीचेस, इट प्रीचेस, दिस वर्ब प्रीचेस। आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, लेकिन शी गोज, ही गोज, इट गोज, माय फ्रेंड गोज। आई डू, आई डू, we do, you do, they do, लेकिन he, she, it होगा तो he does, she does, it does, my friend does, I fix, we fix, you fix, they fix, तो he fixes, she fixes, it fixes, my friend fixes। यहाँ पर I, we, you है तो mix, I mix, we mix, you mix। जितने भी मैंने आपको ऊपर सजेस्ट दिए हैं उनके लिए आपने इसके साथ एस या यस नहीं लगाना, लेकिन जो ही, शी, इट और सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपने यस यहाँ पर लगाएंगे। इनके साथ यस, बाकी सब के साथ एस लगाना है। इनके साथ यस हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता इस तरह से चलेगा, इनके आखिर में ओ, ओ, एक्स, डबल एस, एस एच या सी एच आ रहा होगा जिन वर्ब्स के एंड पर हम के साथ ई एस लगाएंगे। लेकिन इन सब्जेक्ट्स के लिए ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, उम्मीद आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अब आपने ये मैं वर्ब्स आपको दे रहा हूँ, आपने इन वर्ब्स को यूज करना है सब सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे आई रन, वी रन, यू रन, दे रन, और इसी के नेगेटिव भी बनाने हैं, प्लूरल भी बनाने हैं, सॉरी नेगेटिव भी बनाने हैं, और आपने इंट्रोगेटिव भी बनाने हैं, और जितने भी मैंने आपको कराए हैं वो सारे के सारे बनाने हैं रन के साथ, आई, वी, यू, दे के साथ, सारे के सारे, फिर ही, शी, इट के साथ, रन के साथ आपने बनाने हैं। मसलन आई रन, मैं दौड़ता हूँ, वी रन, यू रन, दे रन, my friends run, he runs, she runs, it runs, my friend runs, this boy runs, ठीक है, Ali runs, Ali and Asim run, दो है तो run, एक है तो runs, walk, इसी तरह से सारे इनके साथ आपने sentences बनाने हैं, बोलना भी है, बार बार बोलना है। parents आपसे request है कि बच्चों के साथ इनसे कहें कि ये बार बार बोलें, आप ही इनके साथ बार बार बोलें, बोलने की भी practice कराइए, लिखने की भी practice कराइए, और सुनने की भी बार बार इन्हें ये वीडियोस सुनवाएं आप। जितना आप ये बच्चे सुनेंगे, जितना बच्चे लिखेंगे, जितना सुनेंगे, लिखेंगे और बोलेंगे, बोलना ज़रूर है, बोलना आएगा, ये इन स्किल्स की प्रैक्टिस होगी तो इन्हें सब कुछ आएगा। आपने ग्रो नहीं करना बार बार लिखवा इन बच्चों को, तो इन सब की आपने प्रैक्टिस करानी है। और ये आपने बच्चों को ही जो मैंने लेक्चर दिया है ये टू डेज आप ये कराइए। टू डेज में जब ये अच्छी तरह से इनका हो जाए तो नेक्स्ट लेसन में अपलोड करूँगा, तो वो जो लेसन है फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आप जब होमवर्क कर लेंगे तो आपसे ये आपकी नोटबुक्स कलेक्ट करवा ली जाएंगी। कलेक्ट करवा कर आप हम अपने पास इन्हें चेक करके फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे और आप
The Galaxy Group of Colleges for Girls, where your career path begins. FSC, ICS, ICOM, and FA. Free summer camp, free education and scholarships for talented students. Multimedia-based international academic standard. Highly qualified and experienced faculty. Compulsory English language classes, well-equipped science and computer labs, air-conditioned and fully furnished classrooms, healthy, peaceful and stress-free environment, facilities of generator and solar system, monitoring through CCTV cameras. Address: Bhutta Colony, near Valaitabad, Vihari Road, Multan. Phone 061-4233-171, 061-442-3030, 0300-6362-321.